प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑपरेशन रिसर्च के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कब आया। तो ये स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया था वो आया था 1949 में। चलिए, कॉन्सेप्ट तो लास्ट फेज में ही आ गया था, 1945 के पास आसपास आ गया था, लेकिन काम जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 1949 में ये काम शुरू किया गया था। तो 1949 में बेसिकली दो काम किए गए। एक काम तो ये हुआ कि एक रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई हैदराबाद में उसको बनाया गया था, जिसका इसमें कि हम लोग ने प्लानिंग में किया। दूसरा था, हमारे देश में 1949 में ही एक ओआर ग्रुप का सेटअप किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो दूसरी लेबोरेटरी बनी थी जिसका नाम था डिफेंस साइंस लेबोरेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी थी, जिसके किसके गाइडेंस में बनाई गई थी, ये प्रोफेसर डीएस कोठारी जी के गाइडेंस में ये लेबोरेटरी बनाई गई थी, जिसके तीन काम थे। एक काम था स्टोर करना, परचेस करना और वेपन का इवेल्युएशन करना। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि हथियारों को आपने खरीद लिया तो उनको स्टोर की प्रॉब्लम थी, परचेस करने की भी प्रॉब्लम थी और वेपन का इवेल्युएशन की भी प्रॉब्लम थी कि आप वेपन जो खरीद रहे हो मिलिट्री के लिए जो सामान आप खरीद रहे हो उनका इवेल्युएशन सही तरीके से करना होगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये खराब हो गए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी थी। उसके बाद में 1953 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में था वहां पर एक ओआर यूनिट को बनाया गया था और नेशनल प्लानिंग के लिए ओआर यूनिट का यूज किया गया था। नेशनल प्लानिंग का मतलब जैसे हमारे देश में बेरोजगार कितने हैं, हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, ताकि उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना बनाई जा सके। फिर उसके बाद में 1957 में ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एक अलग से ही सोसाइटी बन गई। फिर बात करते हैं 1959 में जो हमारी ओआर सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओआर सोसाइटी की मेंबर बनी। 1959 में क्या हुआ कि ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओआर सोसाइटी के मेंबर बन गए। फिर 1961 और 62 में ये आईआईएम कोलकाता और अहमदाबाद, ये आईआईएम दो जगह था, 1961 और 62 में दो जगह पे इसकी ब्रांच खुली हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, एक अहमदाबाद और कोलकाता में। दोनों जगह वहां पे एक सब्जेक्ट के तौर पर ये पेपर को पढ़ाना शुरू किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 1961-62 में आईआईएम कोलकाता और अहमदाबाद में इसको पढ़ाया गया। 1963 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक मास्टर डिग्री कोर्स का प्रोग्राम शुरू किया ऑपरेशन रिसर्च में। जैसे आज की डेट में आप लोग एमबीए पढ़ते हो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मास्टर इन मैथमेटिक्स, मास्टर इन साइंस होता है, एमएससी होता है, ऐसे ही उन्होंने एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन ऑपरेशन रिसर्च। 1973 में जो ओआर सोसाइटी है इंडिया की, उसने ग्रेजुएट प्रोग्राम ओआर में डेवलप किया, एक इंट्रोड्यूस किया। और ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे आपका भी बीबीए प्रोग्राम है तो इसलिए बीबीए प्रोग्राम में आप इसको पढ़ते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं आपको कि ऑपरेशन रिसर्च इंडिया में कैसे आया। तो जल्दी जल्दी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये बच्चों लास्ट फेज, जब इंडिया वर्ल्ड वार सेकेंड का चल रहा था तो लास्ट फेज में इसका ओरिजिन हुआ इंडिया के अंदर। तो
1949 एक रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई हैदराबाद में, इसको बनाया गया था, जिसका काम क्या था, ओआर का यूज किया उसने प्लानिंग में। 1949 में ही एक डिफेंस साइंस लेबोरेटरी बनाई गई थी, किसके अंडर में, किसके गाइडेंस में बनाई गई थी, प्रोफेसर डीएस कोठारी जी के अंडर में गाइडेंस में इसको बनाया गया था, जिसका काम क्या था, तीन काम थे, स्टोर की प्रॉब्लम को दूर करना, परचेस की प्रॉब्लम को दूर करना और विपणन की प्रॉब्लम को दूर करना, ये दो काम थे। उसके बाद में 1953 में ओआर यूनिट को फॉर्म किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कोलकाता में था, और वहां पे नेशनल प्लानिंग के लिए, नेशनल प्लानिंग के लिए इसका यूज किया गया। 1957 में ओआर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एक अलग से ही डेवलप हो गई थी। 1959 में ओआर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ओआर सोसाइटी के मेंबर बन गए। 1961 और 62 में ऑपरेशन रिसर्च को एक पेपर के, इंपॉर्टेंट पेपर के रूप में पढ़ाया जाने लगा आईआईएम अहमदाबाद और कोलकाता में। उसके बाद में बच्चों 1963 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया, किसमें, ऑपरेशन रिसर्च। फिर 1973 में ओआर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया ऑपरेशन रिसर्च में। अब देखिए, अब मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ऑपरेशन रिसर्च इंडिया में कैसे आया, कब आया, तो आपको आपको यहां से लेकर के ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 1949 में दो काम हुए, एक रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी बनी हैदराबाद में, एक डीएसएल बना गाइडेंस में, प्रोफेसर डीएस कोठारी के गाइडेंस में। उसके बाद में फिर 1953 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इसकी टेक्निक यूज की गई। 1957 में ओआर सोसाइटी इंडिया की अलग बन गई। 1959 में फिर ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओआर सोसाइटी के मेंबर बन गए। 1961-62 में ये आईआईएम जो था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो था अहमदाबाद और कोलकाता में, वहां पे एक पेपर के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा। 1963 में मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया एंड 1973 में ग्रेजुएट प्रोग्राम के रूप में ये सारी यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिया गया, और इसलिए आप लोग इसको पढ़ रहे हो। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन की। तब तक के लिए थैंक यू।